नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैंगन का भाजी। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में कितना यमी डिलीशियस और कलरफुल दिख रहा है ना। मोस्ट ऑफ लोगों का बैंगन बहुत ही फेवरेट होता है और मेरा भी है। तो देखिए मैंने इसे किस तरह से बनाया है कि सभी बैंगन के पीसेज एकदम अलग अलग दिख रहे हैं और साथ में डिलीशियस भी दिख रहे हैं। और ये आप पराठे या फिर चावल दाल या पूरी किसी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए कितना डिलीशियस है और किस तरह से ये पका है। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, यमी है और थोड़ा स्पाइसी भी है। तो ये रेसिपी को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हम ये रेसिपी बनाते हैं बैंगन फ्राई। बैंगन फ्राई बनाने के लिए हमने बैंगन को इस आकार में काट लिया है और काटने के पहले भी धोया था और एक पानी से उसके बाद भी, क्योंकि काटने का ये थोड़ा काला हो जाता है। तो हम यहाँ पे मसाले कुछ लेंगे, जीरा, सरसों, लहसुन, अदरक और गोल मिर्च। इन सबको हम पीस लेंगे, मिक्सी जार में घुमा लेंगे। इनको फाइन पेस्ट बनाना है। अब हम चलते गैस की ओर। मैंने कढ़ाई चढ़ाया, इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों। जी हाँ दोस्तों, बैंगन और सरसों का कम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। जीरा 1 टेबल स्पून और साथ में तेज़पात। इन सबको चटकने देंगे। बैंगन की मोस्ट ऑफ रेसिपी में सरसों एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो इन सबको चटकने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ये मैंने लंबा लंबा काटा है, आप जिस भी शेप में चाहे काट सकते हैं। और ये कुछ करी पत्ता। बैगन फ्राई आपकी बहुत ही लजीज बनेगी और हर कोई खाना पसंद करेगा। ये देखिए मैंने जो पेस्ट बनाया था अभी मसाले का, वो पेस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। और इसे ही मेन अच्छे से पकाना है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सरसों है ना, अगर वो तेल छोड़ने तक नहीं पकता है तो मुंह में थोड़ा कड़वा टाइप लगता है। ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट भुना, उसके बाद ये तेल छोड़ दिया है। मसाला बिल्कुल, मसाला अलग और तेल अलग दिख रहा है ना दोस्तों। अब यहाँ हम डालेंगे सब्जी मसाला 1 चम्मच, ये 1 टेबल स्पून है। धनिया मसाला ये भी 1 टेबल स्पून है और साथ में गरम मसाला। आप चाहे तो लास्ट में गरम मसाला डाल सकते हैं। मैं यहीं पे सब्जी के साथ पका लूँगी, सभी मसाले के साथ पका लूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए मसाले का कलर कितना ही अच्छा आया है। इसे इसी तरह भूनेंगे हम लगभग 5 मिनट। नमक स्वाद अनुसार डाले दोस्तों। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों के पास भी हमारी रेसिपी पहुँचाए। हम बैंगन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे मसाले में पोर करेंगे, मतलब कोट करेंगे। ये देखिए अच्छे से कोट हो गया। अब हम इसे ढक देंगे बिना पानी मिलाए। ढके क्यों? क्योंकि ये बैंगन पानी छोड़ता है। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट बाद आप बैंगन देख सकते हैं कि पानी खुद ब खुद रिलीज कर दिया है, छोड़ दिया है। ये देखिए और बैंगन भी हल्का सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए 5 मिनट भुनने के बाद कितना यमी दिख रहा है। ये लगभग पक भी चुका है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करेंगे दोस्तों। ये देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और इसे ढक के 5 मिनट फिर पकाएंगे दोस्तों। इसलिए क्योंकि जो हमारे मसाले हैं ना, वो बहुत अच्छे से पकना चाहिए। ये देखिए उबाल आ चुका है और हम इसे बिना ढक्कन लगाए पकाते हुए पकाएंगे, ताकि ये सारे जो पानी है वो बाहर बन के उड़ जाए। ये देखिए 5 मिनट में ही हमारा बैंगन का जो कलर है और जो बैंगन और मसाले का जो कम्बिनेशन है, कितना डिलीशियस है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे।
आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, कचौड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चाहे तो आप अकेले बिना किसी रोटी के साथ भी आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है ना दोस्तों, तो घर पे ज़रूर बनाइए। इसे बनने में 10 मिनट लग जाते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, द इंडियन रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसे प्याज और मिर्च के साथ गार्निश करेंगे ताकि ये सर्व करें तो देखने में भी डिलीशियस दिखे। देखिए आपका बैगन फ्राइड बिल्कुल तैयार है। तो द इंडियन रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।